नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बरसात का मौसम आ गया है, बहुत बारिश हो रही है, पूरे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। इस बरसात में मैं आप लोगों को पहली बार अपने गार्डन का ओवरव्यू देने वाली हूँ। आज संडे है और संडे को मैंने अपने गार्डन का की वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को दिखला सकूँ कि कौन से फ्रूट, फ्लावर्स, सब्जियाँ मेरे गार्डन में लगी हुई है और वो किस तरह से फल फूल रही है और कौन कौन सी पौधे मैं अभी और लगा रही हूँ, कौन कौन सी कटिंग मैंने लगाया, इन सब का सबको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, ये मेरा ग्राउंड गार्डन है, तो मैं शुरुआत करती हूँ ग्राउंड गार्डन से। ग्राउंड में भी बहुत सारे मेरे प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें कुछ तो डेकोरेटिव प्लांट हैं और कुछ बहुत ही फ्लावरिंग प्लांट है। ये सारे मेरे यहाँ लगे हुए हैं, मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। तो मेरे पीछे देखिए लगे हुए हैं ये सारे प्लांट और यहाँ मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, कटिंग भी बहुत अच्छे से चल गए हैं। तो जब कटिंग थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, 15-20 दिन के बाद, मैं एक बार फिर सारे कटिंग्स को आप लोगों को दिखलाऊंगी ताकि आप लोग जान सके कि कटिंग मैंने जो लगाया वो चल गए हैं। और देखिए, ये एक्जोरा और ये पॉइंसेटिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बारिश होने के साथ ही, एक सकलेंट और यहाँ पर मैक्सिकन पिटोनिया है और साथ ही साथ यहाँ पर बेली, ये कलेडियम और कोलियस और ये बेली का मोगरा का है। और देखिए, यहाँ भी मैंने कुछ कटिंग्स लगा कर रखे हुए और ये सारे कटिंग्स लग गए हैं। तो मैंने सभी पत्तों के बीच बीच में मैंने कटिंग्स को लगा कर रख दिया, इससे कटिंग्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा और बहुत जल्दी और तेज़ी से वो ग्रोथ करेंगे। ये चाइना डॉल है, देखिए पूरे भर भर के इसमें फूल आ रहे हैं और पूरे ग्राउंड गार्डन में इसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। बड़े ही खूबसूरत इनकी महक होती है, बहुत तेज़ भी नहीं होती और बहुत स्लो भी नहीं। और ये बिल्कुल एक नया प्लांट है दोस्तों, मैंने अभी तक इसे नहीं देखा यूट्यूब में किसी के पास भी। तो काफ़ी लंबे, एक हथेली से भी ज़्यादा बड़े होते हैं और इनका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिस है। और ये क्रोसान्ड्रा और यहाँ पर मधुकामिनी और ये देखिए ये वेरीगेटेड एक्जोरा, जिसमें कलियाँ आ गई है और देखिए बहुत सारी कलियाँ आई हुई है। जब ये पूरे अच्छे से खिल जाएंगे तो मैं आपको इनका अपडेट दूंगी। फ्रूट इधर का गार्डन व्यू और देखिए ये मेरे तुलसी के प्लांट, मैंने अभी अभी पूजा किया है और मैंने और भी इसमें 2-3 प्लांट लगा दिया है क्योंकि बारिश के दिनों में कई सारे तुलसी के पौधे निकल आते हैं, तो मैंने सबको, मैं सबको इसी में लगाती जाती हूँ। देखिए, और यहाँ केला का प्लांट है, उधर झुमका बेल, पान है और इधर भी कुछ प्लांट्स लगे हुए। यहाँ भी मैंने कुछ कटिंग्स लगाए हुए हैं क्रोटॉन्स के, क्योंकि बहुत अच्छा समय होता है कटिंग को लगाने का। अब चलिए आप लोगों को मैं ले चलती हूँ एंट्रेंस पे और यहाँ पर मेरे कुछ जो इंडोर प्लांट रखे हुए हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू। और ये बहुत ही खूबसूरत से लगे हुए हैं एग्लोनिमा और यहाँ लगे हुए हैं बहुत सारे स्नेक प्लांट, एग्लोनिमा है ये भी और ये एक एग्लोनिमा जो स्टैंड में लगा हुआ है, डफन बेकिया और इधर भी डफन बेकिया और ये एग्लोनिमा और ये है क्रिसमस कैक्टस। इधर भी कुछ कटिंग्स लगाए हैं आप देखिए और ये नया प्लांट कटिंग छोटे छोटे पॉट्स में ग्लासेस में लगाए हुए हैं और अरेलिया का प्लांट है और यहाँ भी कुछ। तो दोस्तों, बहुत सारे कटिंग मैंने लगा दिए हैं, सबको मैं और भी दूंगी। अब चलते हैं टेरेस पर। दोस्तों, बरसात में आज पहला अपडेट दे रही हूँ कि हमारे गार्डन में, टेरेस गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई है, कौन से फ्लावर्स लगे हुए हैं, इन सबको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये लेमन प्लांट है जो कि बहुत सारे लेमन इसमें समर तक हो गए थे और अब जब समर ख़त्म हुआ है तो बारिश होने के बाद फिर से इनमें बहुत सारे नए पत्ते आ गए हैं और अब फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा ही है और अभी भी इसमें बहुत सारे लेमन लगे हुए हैं, आपको मैं सब जगह दिखला दूँ। बहुत सारे लेमन इसमें अभी भी लगे हुए हैं और नई फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो मेरे इस लेमन का रिजल्ट मुझे बहुत ही बेटर मिला है क्योंकि लगातार सालों भर इसमें लेमन लगे ही रहते हैं, एक लेमन ख़त्म भी नहीं होते, उसके पहले ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर नए से बनने लगते हैं। और ये देखिए अडेनियम दोस्तों, ये अडेनियम, अडेनियम ये मदर अडेनियम है और कितना बड़ा हो गया और कितने सुंदर से इसमें फूल खिले हुए हैं। और इसका कोडेक्स देखिए कि कोडेक्स इनके कितने अच्छे हैं, लगता है जैसे कोई पाँव मोड़कर बैठा हुआ हो, बहुत ही खूबसूरत है। ये महात्मा ड्रेसिना जो कि काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने इसे प्रून कर दिया था गर्मी में ही, समर में ही, जून में। और अब देखिए साइड से कितने सारे ब्रांच निकल गए और कितने खूबसूरत कलर उभर कर सामने आए हैं। तो रियल में इसका कलर ऐसा ही है, जब
थोड़े से लंबे हो गए थे तो थोड़ा सा बर्न हो गया था, और बर्न होने के कारण इसके कलर बहुत ही खूबसूरत नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मंगवाया था ऑनलाइन अमेजोन से ड्रैगन फ्रूट, और ये तीन कलर के हैं, एक वाइट स्किन, येलो स्किन और पिंक स्किन। ये तीनों मैंने अभी इसी में लगाया है, अच्छे से लग गए हैं, लेकिन कुछ थोड़े से और बड़े होंगे तो मैं बड़े बड़े पॉट में, तीन अलग अलग पॉट में इन्हें शिफ्ट कर दूंगी। तो ये हो गया। और दूसरा मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि इस समय मैंने अपने बोगनवेलिया को मैंने प्रून कर दिया है। ये मैंने प्रून करके काफ़ी छोटा कर दिया है, लेकिन इसकी जो साइज है, इसका जो शेप है, वो बहुत ही अच्छा है। ये सारे बोगनवेलिया मैंने सिर्फ इसे बहुत ज़्यादा प्रून नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे और इसकी शेप ऑलरेडी बहुत अच्छी है और बहुत लंबी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं सिर्फ यहाँ पर एक कट करूँगी, क्योंकि ये थोड़े से साइड में निकल रहे हैं। और बाकी मैंने इसे भी प्रून कर दिया है, इसे भी और इसे। और ये देखिए, अपराजिता के फ्लावर्स मेरे तो हर गमले में अपराजिता के बेल निकल आते हैं, कहीं पर ब्लू वाले और कहीं पर वाइट वाले। और ये देखिए कितने अच्छे से खिले हुए हैं। और इसमें देखिए एक ये निकला हुआ है पिटूनिया, और लगातार ये फ्लावरिंग कर रहा है। और ये मेरे एडेनियम के बहुत सारे कलेक्शन, जो सारे मैंने उसी मदर प्लांट से निकाल कर बनाए हैं। और फिर से इस बार मैंने एडेनियम के बहुत सारे बीजों को मैंने लगाया, सीडलिंग किया, और सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो गए। मैं अभी आप लोगों को दिखलाती हूँ। देखिए, और अभी मैं आप लोगों को और भी दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इन सारे एडेनियम के बीजों को, बहुत सारे एडेनियम के बीज को मैंने यहाँ पर सीडलिंग किया था, और सारे निकल आए हैं। और एक ट्रे ये भी है, इसमें भी बहुत सारे निकले हुए हैं, और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है तो थोड़े से वो गिर गए हैं, और मुझे लगता है कि ये इसमें भी बहुत सारे निकल गए हैं। और मैं और सीड भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सीड को भी यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है, और कुछ और है जिसे मैंने बांध कर रख दिया था, क्योंकि हवा में काफ़ी उड़ रहे थे। तो अभी मैं कल इन सारे सीड को सीडलिंग करूंगी, इतने सारे हैं, और फिर चार पांच दिनों के बाद फिर मैं इन्हें सीडलिंग करूंगी। तो अभी बहुत सारे बीज मेरे पास हैं, और इस बार और भी एडेनियम मेरे तैयार हो जाएंगे, तो मैं ढक के रख दे रही हूं। और ये देखिए, हिबिस्कस बहुत ही अच्छे चल रहे हैं मेरे, इसे मैंने रिपॉट किया है, छोटे से गमले में थे, और बहुत अच्छे अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है इन सारे हिबिस्कस में। यहाँ ये, और आपको मैं दिखलाती हूँ कि चंपा के मेरे एक फ्लावर के तो बड टूट गए थे, लेकिन दूसरे चंपा में फ्लावर बड आए हुए हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क पिंक कलर का है चंपा प्लूमेरिया, और इसके जो है फ्लावर बड टूट गए थे, पूरी डाल ही आंधी के समय टूट कर गिर गई थी और मैंने लगा दिया था। तो अब देखिए, फिर से इसमें भी अच्छे से नए नए शूट आ गए हैं, मतलब ये लग गया है। और ये एक नीम का पौधा बहुत अच्छे से हो रहा है। और इधर देखिए, ये मेरे बरगद का जो बुनजाई है, थोड़ा सा लंबा तो हो गया दोस्तों, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत है। इसकी कनोपी देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है। और ये शहतूत का प्लांट, और इधर एक ड्रेसिना, एक पिंक और ग्रीन चौड़े पत्ते वाला। इधर है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसे भी मैंने प्रून किया था, और मुझे लगता है यहाँ से भी मुझे कर देना चाहिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हर जगह मेरे ये पपाया के प्लांट निकल गए हैं। ये एक चीकू का प्लांट है इधर, और काला पत्ती चीकू, इसमें भी फ्लावर बड आ गए हैं। और इसमें तो मैंने ये देखिए, इसमें भी फ्लावर बड आए हुए हैं, लेकिन शायद इसमें अभी चेरी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये पहला ही फ्लावर है, तो हो सकता है कि इसमें होल्ड नहीं कर पाए फ्रूट और टूट जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल इसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। और ये करौंदा, अभी भी करौंदा का तो समय है नहीं, विंटर में ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर सकता है। देखिए, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो गई है। जब मैं इसे लाई थी तो बहुत बिल्कुल कांटे कांटे सा था, लेकिन अब बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये जामुन, जामुन का पौधा भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और मेरे ख्याल से अगले साल ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। ये एक अमरूद का पौधा है जो रेड गुआवा है, देखती हूँ कि कब इसमें फ्रूट आते हैं। देखिए, यहाँ भी एक पपाया निकल गया है, तो इसमें फ्रूट कब आते हैं वो देखती हूँ मैं। और ये एक हिबिस्कस इस बार मैं लाकर लगाई थी, और देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का हिबिस्कस है, कि बहुत
अच्छे से बहुत इसमें बहुत सारे फ्लावर बड बने हुए हैं। और ये दोस्तों ये फ्लावर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर हैं। मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, माली नर्सरी में भैया ने बताया तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम है। और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, बिल्कुल पीले पीले सरसों के फूल जैसे। वहाँ पर इसके दो तीन कलर और मिले थे लेकिन मैंने तो येलो लिया था। और देखिए कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। और देखिए मेरे गुलाब के पौधे फिर से बहुत ही हरे भरे हो गए। कुछ गुलाब मैंने दूसरी साइड रख दिया है, ये कड़ी पत्ता और ये बेल पत्ता। बेल पत्तर देखिए कितने अच्छे हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने बढ़िया हो रहे हैं। तो ये तो मेरे काम आ ही रहा है और बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। और ये एक और चंपा है जिसे कटीली चंपा कहते हैं, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को दिखलाया था एक बार और ओवरव्यू में। और एक चंपा मेरा इधर है जो कि मैरून वाला है, मैरून और उसमें येलो कलर का। और ये देख सकते हैं दोस्तों अनार तो मैं हमेशा दिखलाती ही रहती हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट जो मुझे मिला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखलाऊँ ताकि उन्हें भी विश्वास हो कि बहुत अच्छे से आप बड़े से पॉट में, बड़े से गमले में, ड्रम में आप बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग प्लांट को लगा कर फ्रूट ले सकते हैं। और इधर कुछ सब्जियाँ लगी हुई है, ये करेला है और करेले में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, करेला लगे हुए हैं और कुछ इधर मिर्च है। ये टमाटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे बारिश हुई इसकी बड़ी बाढ़ बहुत तेज़ हो गई। और यहाँ पर एक ग्वारफली और कुछ मिर्च के हैं। और देखिए दोस्तों मैंने अभी कुछ सब्जियाँ हार्वेस्ट की हैं, ये देखिए ये कुछ मैंने ग्वारफली, दो भिंडी, तीन चार लोबिया और इतने सारे ब्रिंजल, ये मैंने अभी अभी हार्वेस्ट किया है। और ये देखिए इतने अच्छे से लोबिया फल रहे हैं, तो इसकी फ्रूटिंग मुझे बहुत ही अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, बहुत अच्छे से फल लगे हुए हैं। तो बरसात के दिनों में आप अभी भी नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप लोबिया लगा सकते हैं। और एक ही क्यारी में मैंने जो अपने से क्यारी बनाई थी उसी क्यारी में मैंने इन्हें लगा दिया है, लोबिया, भिंडी और ग्वारफली। और ये देखिए, और मैंने कुछ लकड़ियाँ इसमें लगा दी है ताकि अच्छे से ये फैल सके, क्योंकि हर जगह तो शेड मचान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मचान ही कहते हैं उसे, जब जैसे सब्जियों के बेल को चढ़ने के लिए जब हम ऊपर से कोई छत जैसी डाल देते हैं तो उसे मचान कहते हैं। तो हर जगह मचान बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से हम लकड़ियों को डाल करके और उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से फ्रूटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये एक अनार का पौधा, और इसमें भी देख लीजिए कितने अच्छे से फ्रूट लगे हुए हैं। और कुछ फिर यहाँ और भी तैयार हो रहे हैं छोटे छोटे से, और फ्लावर लगे हुए हैं। ये मेरे रोज़ेस, कुछ रोज़ेस मैंने इधर रख दिए हैं और काफ़ी अच्छे इनमें अब कलियाँ आ गई हैं और पूरी तरह से ये खिलने के लिए तैयार हो रही हैं। और इधर देखिए ये एक लेमन का प्लांट, और यहाँ मैं स्टार फ्रूट आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। इसे मैंने जनवरी में लाकर लगाया था, उस समय तो एक दो तीन इसमें फ्रूट लगे हुए थे, हालांकि वो लास्ट ही हो रहा था फिर मैंने उन्हें हटा दिया था। और अब देखिए फिर से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इस तरफ की ये सब्जियों के प्लांट है जो कि विंटर से ही लगे हुए हैं। और ये एक गोल मिर्च है, ऊपर में फूल की तरह गोल गोल मिर्च होता है और जब पक जाता है तो पूरी तरह से रेड हो जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये एक लगे हुए हैं, आप इधर से मैं सब्जियों को दिखला देती हूँ कि किस तरह से मेरी सब्जियाँ यहाँ लगी हुई है। और ये देखिए एक और मिर्च का पौधा, यहाँ तोरी लगा हुआ है। और एक और मिर्च का पौधा, मैं आपको मिर्च दिखाना चाहती हूँ कि कितने सारे मिर्च हैं। देखिए इतने सारे मिर्च लगे हुए हैं, अब मैं इसे मिर्च का अचार बनाऊँगी और आप लोगों को दिखलाऊँगी कि मिर्च का अचार मैं कैसे बनाती हूँ। और ये एक ब्रिंजल, ब्रिंजल भी मैंने आज यहाँ से हार्वेस्ट किया है और चार पाँच ब्रिंजल अभी भी लगे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छी इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है, जो कि विंटर के ही ब्रिंजल हैं। और यहाँ पर एक टमाटर मैंने लगाया है, ये अपने आप से टमाटर निकल गए हैं, लगता है मुझे चेरी टमाटे हैं। और ये मैंने यहाँ पर कोहड़ा लगाया है, कोहड़ा पम्पकिन, बाकी जगह तो कोहड़ा को कद्दू कहा जाता है लेकिन हम लोग इसे कोहड़ा करते हैं और कद्दू हम लोग लौकी को कहते हैं। और यहाँ एक वही मिर्च है, बारहमासी मिर्च है, ये देखते हैं कैसा होता है। और इधर मैंने लगा दिया है भुट्टा, ये मैंने खाली रखा है और सारे इसमें मैंने जितने भी किचन वेस्ट हैं वो मैं इसमें डालती चली जा रही हूँ अभी।
और ये भुट्टा लगा हुआ है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और यहाँ भी एक मिर्च है, और ये देखिए अमरूद में, गुआवा में अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और यहाँ मैंने एक कद्दू यानी कि लौकी लगा दिया है। ये पत्ते जो कीड़े हैं छोटे छोटे से रेड रेड, वो सारे इन्हें खा रहे हैं, तो अब मैं इसमें दवा भी डाल दूँगी। यहाँ फिर देखिए ये अपराजिता के प्लांट लगे हुए हैं, सब जगह अपराजिता अपने आप से निकल आते हैं दोस्तों। कई बार मैं वीडियो में देखती हूँ कि वीडियो में बताया जाता है कि कब अपराजिता के बीज लगाएं, कैसे लगाएं, मुझे तो कभी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे सारे प्लांट में ये बीज, मेरे घर में बहुत सारे अपराजिता के प्लांट है और हर समय ये निकलते ही रहते हैं, ग्राउंड पर भी हैं और ऊपर भी है, तो जहाँ भी मैं मिट्टी निकाल कर डालती हूँ वहाँ ही अपराजिता के नए प्लांट एक निकल आते हैं। और ये देखिए एक पपाया, इसे मैंने इसमें लगा दिया था, तो बहुत काफ़ी बड़े हो गए हैं और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और ये है एक गुआवा दोस्तों, आप भी लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से गुआवा लगा सकते हैं। देखिए मैंने इन्हें जनवरी में लगाया था, अभी डाल इनकी बहुत मोटी नहीं है, 5-6 इसमें कलियाँ आई थी, छोटे छोटे अमरूद बने थे लेकिन सारे गिर गए, और अब एक ये बचा हुआ है। देखिए इसमें भी एक पपाया का पौधा निकल गया है, अभी मैं रहने दे रही हूँ, कुछ दिनों के बाद निकाल करके मैं दूसरी जगह इन्हें शिफ्ट कर दूँगी। इधर से इस क्यारी का व्यू देखिए, यहाँ भी मैंने एक भुट्टा लगा दिया था। अब देखिए कुछ लोबिया तो मैंने तोड़ लिया और अभी भी बहुत सारी लोबिया इसमें पतले पतले से लगे हुए हैं। तो इधर से ये लुक है, यहाँ देखिए भिंडी लगा हुआ, और यहाँ देखिए जो हम लोग डेट्स खाते हैं, जो खजूर होता है उसे मैं डाल देती हूँ। देखिए ये निकल रहे हैं, जब ये अच्छी तरह से निकल जाएंगे तो मैं इन्हें अलग अलग प्लांट में लगा करके और बहुत अच्छे से इन्हें बना दूँगी, लगा दूँगी, और नए नए प्लांट मेरे ये बन जाएंगे। तो ये है लुक इसका। और इधर ये देखिए नाशपाती काफ़ी अच्छा हो रहा है, नाशपाती का मतलब प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर गया है। और ये चीकू, चीकू में अभी फिर से फ्लावरिंग हो रही है, मैंने दिखलाया था। और ये पुराने फ्रूट जो है अभी लगे हुए हैं, और एक और पुराने फ्रूट है लगे हुए हैं, मैं इन्हें छोड़ दी हूँ, कुछ दिनों के बाद ही इन्हें हार्वेस्ट करूँगी, काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। और ये देखिए गौतम बुद्ध जी बहुत ही शांत मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, और कितनी सारी ये जो बेल है, ये एक प्रकार की घास है जो अपने आप से निकल गई है दोस्तों, लेकिन लग रहा है जैसे मैंने इन्हें डेकोरेट किया है, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये मेरे क्रिसैंथेमम जिसे मैंने किनारे करके रखा था ताकि ये सेव हो सके, और अभी मैंने इनकी कटिंग करके बहुत सारी कटिंग लगा दिया है। और यहाँ भी देखिए इनकी कटिंग मैंने बहुत सारी लगा दी है, और ये एक टोपियरी बना रही थी मैं। और यहाँ इतने सारे मेरे जेड की कटिंग है जो मुझे लगा कि मैं कहाँ फेंकूँ, तो मैंने इन्हें लगा दिया, और ये काफ़ी अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन कहाँ मैं शिफ्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास अब पॉट ही नहीं बचे हैं। ये एक आम का पौधा, और यहाँ ये मेरा सेक्शन जो छोटे छोटे से डेकोरेटिव प्लांट से डेकोरेट किए हुए हैं, सीजेनियम, और ये बहुत सारे जेड अलग अलग आकार में टोपियरी, और इसे मैंने देखिए कितने अच्छे से बना कर रखा हुआ है, ये बोनसाई, और बहुत ही बढ़िया से बोनसाई बन जाते हैं और इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं ये जेड, बहुत तेज़ी से, मेरे यहाँ तो बहुत तेज़ी से, आज भी मैं लगता है कि ढेर सारा इसका मैंने कटिंग में ले जाकर अपने एक फ्रेंड को दे दी हूँ, तो बहुत सारे हैं। और ये एक छोटा सा बोनसाई जो कि बरगद का है, मैंने टहनी से लगाया था, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेरे गार्डन का ये अपडेट, जुलाई में पहला अपडेट। और हाँ इधर भी मैंने तो दिखाया ही नहीं, यहाँ भी जो मार्च में मैंने लोबिया लगाया था वो अभी भी अच्छे से फल रहे हैं, देखिए कितने सारे इसमें फल लगे हुए हैं, लोबिया लगी हुई है और काफ़ी लंबे लंबे हो रहे हैं। और इधर जो अंजीर है वो अंजीर भी काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग पर आए हुए हैं और लगातार इनमें फ्रूटिंग हो रही है। एक अंजीर मैंने हार्वेस्ट किया, वो काफ़ी बड़े हो गए थे, पक गए थे। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने घर में छोटे छोटे कुछ कुछ प्लांट्स को लगा करके और बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं, और गार्डनिंग से भले ही मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूट या सब्जियां नहीं मिले, लेकिन दो चार भी मिल जाती है तो ऑर्गेनिक होती है और सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने इसे खुद से ही उगाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, जिसमें फ्रूटिंग प्लांट होते हैं और बहुत सारे सब्जियों के प्लांट होते हैं, फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट होते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और देखिए बादल कितना काला काला हो रहा है,
अब लगता है बारिश शुरू होगी और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।